अनन्या पांडे को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। अब उनकी एलिज्ड क्लासमेट ने उन पर यह इल्जाम लगाया है कि वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से एक तरफा प्यार करती है। समय पहले ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक प्रमोशनल इवेंट में ये कहा कि उन्होंने अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए अपने एजुकेशन को भी दांव पर लगाया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में स्कॉलरशिप मिल रही थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उनकी एक एलिज्ड क्लासमेट ने इंस्टाग्राम पर उनकी सारी पोल खोल दी। अनी पी नामक अकाउंट से अनन्या पांडे की एलिज्ड क्लासमेट ने उनके बारे में काफी सारी डिटेल्स रिवील की और उनसे जुड़ी हुई ढेर सारी बातों को रिवील किया। अनिपी नामक इस अकाउंट से काफी सारे स्क्रीनशॉट रिवील किए गए, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि करण जौहर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया का नाम जोड़कर अनन्या को नेपोटिज्म के रिमार्क से हटाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह यूएससी कभी भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफर एक्सटेंड नहीं करता, ये सिर्फ तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो। वेल, इतना ही नहीं, अनन्या के इस एलिस्ट क्लासमेट ने अनन्या की पर्सनल डेटिंग लाइफ के बारे में भी काफी सारी डिटेल्स बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी बेस्ट फ्रेंड सुहाना खान के सुपरस्टार फादर शाहरुख खान अनन्या के सभी वेकेशंस और उनकी कार्स को फंड करते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अनन्या पांडे और शनाया कपूर दोनों ही स्कूल में बाकी उन सभी स्टूडेंट्स को बुली करते हैं जो कि कार्स और डिजाइनर बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वेल, इस लड़की ने सबसे बड़ा बॉम्ब तब फोड़ा जब उसने ये कहा कि अनन्या पांडे आर्यन खान से एक तरफा प्यार करती है। अपने स्टेटमेंट में उस लड़की ने कहा, तुम उसे स्कूल में भैया कहती थी और अब तुम उसे पाना चाहती हो क्योंकि धर्मा और रेड चिलीज तुम्हारा बॉलीवुड का टिकट है। दर फिलहाल अनन्या पांडे ने इससे जुड़ी हुई किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।